हेलो दोस्तों, हाउस प्लान यूट्यूब चैनल में आप सब लोग स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 40x50, 40 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 50 फीट प्लॉट की लंबाई है। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है कि न्यूयॉर्क का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास है 40 फीट है। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 50 फीट। 50 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 40 × 50 टोटल प्लॉट का एरिया हो गया। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है कि नहीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी पूर्व दिशा से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा है 11 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट × 17 फीट, 12 फीट चौड़ाई के अंदर और 17 फीट लंबाई के अंदर। ये हमारा पार्किंग एरिया जहाँ पर कार और बाइक पार्क हो जाएगी, ठीक है। और मेन गेट किस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 6 फीट चौड़ाई के अंदर सामने यहाँ पर पूरा ओपन पैसेज छोड़ रखा है और इस तरफ हमारा हुआ है पार्किंग। अब पार्किंग के जैसे सामने यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जैसे दो स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास आ रहा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राॅइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11x12, 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा ड्राॅइंग रूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। ड्राइंग रूम से यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई दरवाजा वगैरह नहीं है, आर्च बना हुआ है। यहाँ से हम सीधा डाइनिंग एरिया के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब ड्राइंग रूम से ऑफिस बाहर आते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा पार्किंग, और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास 3.5 फीट चौड़ाई के अंदर यहाँ पर पूरा कॉरिडोर बना हुआ है। और यहाँ पर हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5x3.5 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। और फिर हमने यहाँ पर एक और दरवाज़ा दे रखा घर के अंदर एंटर होने के लिए 3.5 फीट का, मतलब कि आपका घर के अंदर एंटर होने के लिए दो दरवाजे हैं। एक तो आप ड्राइंग रूम के माध्यम से एंटर हो सकते हो और एक आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो ये 3.5 फीट का दरवाज़ा खोलते हैं तो पहुँचते हैं दोस्तों डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 7 इंच × 16 फीट 4 इंच, 12 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा वो है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 4x8, 4 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 8 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ इस तरफ निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 13x15, 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 6 फीट की विंडो सामने निकल रही है। तो अब इस बेडरूम से ऑफिस बाहर आते तो ये हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया के यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा ओपन किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट × 12 फीट 7 इंच, 9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा किचन हो गया, इस किचन की 4 फीट की विंडो ये हमने दक्षिण दिशा से लेके पश्चिम दिशा के अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने छोटी सी बालकोनी छोटे की, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट यहाँ चौड़ाई के अंदर और 13 फीट लंबाई के अंदर। ये हमारी बालकोनी है, जिसके अंदर इस किचन की 4 फीट की विंडो निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते तो हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 3.5 फीट का दरवाजा और हमारा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 13x13, 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो भी इस बालकोनी के अंदर निकल रही है। और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा पूजा रूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 7 इंच × 7 फीट 7 इंच, 5 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा पूजा रूम हो गया। पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और हमारा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 12x13, 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर हमने ओटीएस छोटा का, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट × 7 फीट 7 इंच, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा ओटीएस हो गया, जिसके अंदर इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो निकल रही है। और इस ओटीएस के अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से यहाँ से हमने 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट 7 इंच × 7 फीट 7 इंच। ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आप इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास सबसे पहले 11 फीट का मेन गेट, ये पार्किंग, यहाँ पर 6 फीट का ओपन, ये हमारा वह स्टेयर केस, ये हमारा घर का मेन डोर, ये ड्राॅइंग रूम, यहाँ पर ये दूसरी घर की एंट्री, और यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया, ये कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम, और फिर यहाँ पर ओपन किचन, ये बेडरूम, यहाँ पर बालकोनी, ये पूजा रूम, ये बेडरूम, ये अटैच टॉयलेट, और ये हमारा वह ओटीएस। तो चलिए मैं आप इसको जूम करके धीरे धीरे दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। 40x50 प्लॉट का एरिया है, 3 बेडरूम है, ड्राॅइंग रूम है, घर के अंदर 2 एंट्री है, पार्किंग है, एक अटैच टॉयलेट है, एक कॉमन टॉयलेट है, पूजा रूम है,
किचन है और वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।